बड़ी तुम पार्टी के इतिहास में बड़ी अच्छी बात है कि अल्लाह जिसको इज्जत दे और जिसको जिल्लत दे, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि जैसे ही इमरान खान जो है पावर से पावर को छोड़ा, गुलामी को कबूल नहीं किया, इक्तदार को छोड़ा, तो उनको करोड़ों लोगों ने वेलकम किया, बड़े बड़े जलसे हुए, लोगों ने उनको मोहब्बत दी है, प्यार दिया है, उनका सपोर्ट बेस बढ़ा है और उनको इज्जत मिली है। बिल्कुल, अल्लाह जिसको चाहे उसको इज्जत दे और दूसरों को जिल्लत कैसे दिए। आप देखें कि आज तक वो खुद को चेयरमैन समझते हैं, पार्टी का प्रेसिडेंट समझते हैं, लेकिन भगोड़े हैं, कोर्टों से भागे हुए हैं और लंदन में बैठे हुए हैं, आवाम के साथ आ नहीं सकते। इससे बड़ा नून लीग के कारकुनों से कोई ज्यादती, कोई जुल्म हो नहीं सकता। ये पीपुल्स पार्टी जो है, जो आज बड़ा मजा आया ये जुमला सुन के, पेट फाड़ के जो है ना ये पता नहीं क्या क्या कर लेंगे, बड़ा मजा आया। और देखे ये पाकिस्तान की आवाम देख रही है, वो देख रही है कि आजकल कैसे पीपुल्स पार्टी और नून लीग जो है बलगीर हुए हुए हैं, एक दूसरे से इनकी प्यार देखें, मोहब्बत देखें, इनका इश्क देखें, वो तो इंतहा की नजर आ रही है। लेकिन ये दोनों याद रखें, इन दोनों ने एक दूसरे के लिए क्या कहा था। आसिफ जरदारी को वो कहता था शहबाज शरीफ, तैमूर अली साहब कहेंगे बाबा हमारा इश्क 40 आपको चोर, जलाने के लिए है। अली बाबा 40 चोर कहते थे वो कहते थे कि इनका पेट फाड़ के पैसे निकालेंगे। आजकल पीपुल्स पार्टी वाले शहबाज शरीफ की नकल करने हैं, तो माशाल्लाह क्या कह रहे हैं। और ये बात है ना पीपुल्स पार्टी की, कि आजकल जो पीपुल्स पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी समझती थी, आज उसका चेयरमैन बिलावल भुट्टो गया है लंदन और नवाज शरीफ से जाके भीख मांगता है कि मेरे बाप को जो है आप सदर लगा लो। ये है पीपुल्स पार्टी के आजकल हालात और नून लीग के हालात।